Respected chief guests, other dignitaries, and all the teachers and students present here. Good morning to all of you. एक समय था जब हर भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हर भारतीय मजबूर था विदेशियों के आदेशों पर चलने के लिए, जब अपना अधिकार मांगना तो दूर, भारतीयों से उनकी पहचान तक छीन ली गई थी। उस समय भारतीयों ने जी जान लगाकर अंग्रेजों से अपनी आजादी के साथ साथ अपने अधिकार भी वापस लिए। और जब अधिकारों की बात आती है तो तब हम उस अधिकार को कैसे भूल सकते हैं जो लगभग हर एक देश के लोगों को मुश्किल से आंदोलन करने से और अपना खून बहाने के बाद मिला, राइट टू वोट। राइट टू वोट सुनने में तो ये तीन शब्द बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में इसे हासिल करने के लिए कई लोगों ने जान तक की कुर्बानी दी है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो वहां के मूल निवासी और गुलाम कई सालों तक इस अधिकार को हासिल नहीं कर सके। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो वहां पर भी औरतों को वोट देने के अधिकार के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। और अगर हम बात करें अपने देश की, हमारा भारत देश, तो हम सबको अपना इतिहास पता ही है, और अगर नहीं भी पता तो यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इतिहास का पता लगाएं। हम पता लगाएं उस संघर्ष का, हम पता लगाएं उन कुर्बानियों का जिनकी वजह से हमें वोट देने का और अपने लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार मिला। लेकिन दुख की बात है कि आज कुछ लोग अपना वोट चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं, और कुछ लोग अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके गलत लोगों के हाथ में सत्ता रख देते हैं। दोस्तों, हमें भारत के नागरिक होने के नाते अपने देश और देश के लोगों के लिए सही प्रतिनिधि चुनने हैं, और अगर लोगों में ये समझ नहीं आई तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसको हासिल करने के लिए भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया है, उसे हम गवा देंगे। आज तक हमने अच्छी सरकारों का चयन किया, भविष्य में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार कोई भी हो, बस भारत के विकास में और लोकतंत्र में बाधा नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए बहुत योगदान दिया। इसका मतलब भारत में महिलाओं और कुछ और पूर्वजों के लिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया ये हमारे अधिकार दिलाने के लिए, उनके लिए बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। इन्हीं शब्दों और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।